बता रहा हूँ सच, मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि मैं भी बीच में गया था उत्तराखंड तैयारी करने। कितने साल बाद आती है? हर 6 महीने में 2 बार आना। तो फिर इतना प्रेशर लेने की क्या जरूरत है आपको? मैं ये छोड़ दूंगा, अगला मैं जाऊंगा। हाँ तो भैया ये नहीं हो सकता है। तो भैया जी होता है ना कि हम इतने पैसे खर्च के, हमें लगता है कि 3-4 महीने मेरा, मैंने आप ये सोचना कि घर वाले गरीब हैं, मेरे माँ बाप गरीब हैं और इतना पैसा दे रहा है, मेरा 6 महीने चला गया, यानी 1 साल की बात आ गई। बिल्कुल बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ रहा है वही वही दिक्कत ना कि हमारे माता पिता यहाँ से, हमें लगता है कि मैं दिखा दूंगा अपने अकाउंट से, मैं अपना दिखाऊंगा तो आपको, हमें लगता है कि 3-4 2-3 महीने के अंदर में मेरा कम से कम 40-50 रुपये खर्चा होगा। बताइए अगर इस पे नहीं लगाए बटन तो बताइए हम किस क्या मुंह दिखाएंगे अपने घर वालों का, फिर क्या जवाब देंगे? बता दूं कि अमरजीत फिलहाल भावुक हैं। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। आज हम लोग फिर एक बार गाजीपुर आए हैं। बता दें कि हमारे साथ हैं अमरजीत राजभर जो धावक हैं नेशनल खिलाड़ी की तरह, और जखनिया विधानसभा है बेदी राम, यहाँ के विधायक हैं, सुलदेह भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले जीते थे 2022 में जब चुनाव हुआ, उसके पहले त्रिवेणी राम थे, यानी 2 बार से देखा जाए तो सीट सुभाषपा के खाते में है। लेकिन बात करेंगे अमरजीत की कहानी की। अमरजीत एक संघर्षशील धावक हैं और नेशनल में कहा जाए तो शायद भारत में नेशनल स्तर पर 5वें स्थान पर है, इतने तेज दौड़ते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ के कोई विधायक नेता कोई भी आया नहीं मौके पर कि नहीं हम चलें और अमरजीत को एक तरह से सम्मान देने की कोशिश करें और मनोबल बढ़ाएं कि आगे चलें। अमरजीत शायद हिंदुस्तान का कोई राज्य छोड़े नहीं है, हर राज्य में लड़का गया है धावक के रूप में और अच्छा प्रदर्शन किया, फर्स्ट नहीं तो सेकंड जरूर आया, ऊपर मेडल दिख रह सकते हैं आप, अच्छी तरीके से तमाम पड़ा है, संघर्ष किए, बहुत सारे लोग आए गए तो कोई आया नहीं अब तक आपको इस संघर्ष को देखते हुए कि नहीं हम अमरजीत को और अमर करें आगे चल के? नहीं नहीं सर, ऐसा भी कुछ सपोर्ट नहीं मिला है। ठीक है, जो भी है अपने फैमिली से मिलता है, जो भी पैसा कौड़ी है सब फैमिली से सपोर्ट मिलता है, और हमें ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला कि नेताजी आए और कुछ धनराशि प्राप्त करके हमारा मनोबल ऊंचा करें, ऐसा कुछ अभी नहीं हमारे पास। अच्छा अमरजीत ये बताए कि दौड़ने का शौक आया कहाँ से? शौक तो सर पहले तो मैं तैयारी करता था आर्मी के लिए, बट स्पोर्ट्स में जैसे छोटी मोटी प्राइज मनी गेम खेलने लगा तो हमें लगा कि नहीं हम शायद अच्छा कर सकते हैं, तो मैं अपना एक इवेंट चुना 800 मीटर और 400 मीटर। तो फिर जैसे हमें लगा कि नहीं कि हम अच्छा कर जाएंगे तो फिर हम अपने गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल दिए। अच्छा, तो ट्रायल देने के बाद हमारा फर्स्ट लगा वहाँ पर, तो उसके बाद फिर हमारा चयन हुआ स्टेट में, तो स्टेट में मैं अगले बार सिल्वर मेडल जीता था ओपन स्टेट में। अच्छा। तो यूपी में प्लेस लगा था हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर स्कूली गेम में हमारा 400 मीटर में लगा प्लेस, और फिर यहीं से स्टार्ट हुआ। और इस बार तो हम पार्टिसिपेट किए थे यूपी स्टेट में, बट हमारी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण इस बार प्लेस नहीं लग पाया। अच्छा, आप आर्मी के दौड़ की तैयारी कर रहे थे? जी, सोच सकते हैं कि आर्मी में दौड़ का बहुत महत्व है, क्योंकि लोग कहते हैं कि दौड़ निकाल लिए तो शायद आर्मी में भर्ती हो जाएंगे। जी, लेकिन दौड़ते जब इनको ये लगा कि मैं तो रेसर बन सकता हूँ, तो ट्रायल वहीं से अलग हो गया इनका। जी, तो फिर माँ बाप नहीं बोले कि अरे आप तो नौकरी के लिए थे, कहाँ से दौड़ने का कार्य शुरू कर? नहीं तो हल्का सा प्रेशर आया कि नहीं बेटा आर्मी के लिए दौड़ा था तो आर्मी के लिए अच्छा कर सकता है, बट हमें लगा कि नहीं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है बॉडी की जो अथवा है इसमें अच्छा कर सकते हैं, और हमें थोड़ा सा पैसा सपोर्ट मिला घर से कि हाँ बेटा तू जो कर रहा है अच्छे से कर, तो फिर वहीं से हम अपना करने लगे। पिताजी का? जी जी। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी तो हमारे काम करते फार्मर हैं, किसान हैं। अच्छा अच्छा जी। तो मैं यहाँ से नागपुर छत्तीसगढ़ सब में खेल चुका हूँ, यूपी में तो हर जिले में जा चुका हूँ, तो ऐसा कोई स्टेट नहीं या डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि नहीं कि जहाँ वहाँ पर नहीं गए हैं जो हमारा प्लेस नहीं लगा होगा, हर जगह प्लेस लगता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तो रहेंगे ही रहेंगे। जी सर, तो मान लीजिए कि आप राज्य स्तर पर खेले हैं तो कोई एमपी विधायक नेता आपके समाज के लोग चाहे किसी भी समाज के लोग नहीं ऐसा नहीं। सामने नहीं आया कि यार इतने जिले का नाम रोशन कर रहा है आदमी और इतना टैलेंट है सर, तो चलो हम संघर्ष है तो थोड़ा सहयोग करें। कहा जाए तो मतलब जो बच्चे हैं गरीब फैमिली से और जो गांव के बच्चे हैं स्पोर्ट्स में और किसी भी फील्ड में पैसे के सहयोग से नहीं आगे बढ़ पाते हैं, टैलेंट है बट उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जैसे तो हमारी तो फैमिली में भाई है माँ बाप हैं, सपोर्ट हमें मिलता है तो भी जाके इतना अच्छा कर पाए हैं,
बट हमें ऐसा कोई विधायक चाहे कोई भी नेता पॉलिटिक्स से हमें कोई नहीं पैसा दिया कि नहीं कि हाँ दो पैसे ले, बट अच्छा कर सकता है तो और जाके। अच्छा जैसे थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ बात, जैसे IPL की बात होती है कि जिस तरह IPL देश में आया जी, तो छोटे छोटे गांव के खिलाड़ी उभर गए सामने आ गए जी जी, तो क्या अगर जो सरकार इसमें भी ध्यान दे उसी तरह चाहे बोर्ड ध्यान दे तो क्या लड़के नहीं आ सकते हैं और सामने कि बड़े बड़े धावक रेसर तो सामने आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। इसके लिए कम से कम जिले जिले में प्रतियोगिता कराया जाए, जिले में प्रतियोगिता किया जाए, फिर जो बच्चे स्टेट मेडलिस्ट उन सबको पैसा दिया जाए, कहीं से भी अगर सपोर्ट मिल रहा है तो बच्चा अच्छा कर सकता है। अगर उसको नहीं सपोर्ट मिल रहा तो थोड़ा सा बल बल उसको डाउन होगा कि नहीं यार इसमें नहीं अच्छा कर पाएंगे, थोड़ा सा इसमें मेन होती है। कोई एकेडमी ज्वाइन किए हैं ऐसा कि बस गाँव में दौड़ते दौड़ते वहाँ तक पहुँचे आप? हम तो अपने गाँव से ही निकले हैं, गाँव से वहाँ तक गए नेशनल तक। जी जी गाँव से निकले हैं। कोई संपर्क किए किसी MP MLA विधायक नेता? नहीं नहीं हम संपर्क नहीं किए, तो मतलब उनको सोचना चाहिए ना कि मतलब कि हमारा समाज का बच्चा इतना आगे बढ़ा है, कुछ जाके हम सपोर्ट करें। मैंने आपका कहना का मतलब कि वीडियो के माध्यम से जो लोग देखते हैं कम से कम उनको सामने आना चाहिए, आप एक आना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, कहती हमारा भी मतलब डाउन हो, कहती जाके हम और अच्छा करें आगे जाके। अभी नेशनल में 50+ तक आप अगर अच्छी हमें सपोर्ट मिली तो भाई 1st, 2nd, 3rd भी आ सकते हैं। जी सर। तो मान लीजिए कि आप गाजीपुर में बहुत टैलेंट है, इसमें कमी नहीं है? नहीं नहीं टैलेंट बहुत है, ये सच है जी जी। और आपका जो बता रहे हैं बात बहुत गंभीर समस्या है कि अगर जो मान लीजिए उतना पैसा खर्चा नहीं करेगा तो उसका टैलेंट तो गांव में ही दबके मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर यही होगा। अगर आप उस चीज़ को अगर जैसे गरीब फैमिली से तो मैं भी हूँ, बट हमारे माँ बाप जैसे भी करके मुझे पैसे दिए ठीक है, और उस चीज़ का उस पैसे का मैंने उस पर अपने बॉडी पर खर्च किया ठीक है, तो आगे जाके हम बढ़े हैं। अच्छा मर्जी जी, इसमें किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? जैसे मान ले राज्य स्तर पर जा रहे हैं तो क्या उसमें भी भेदभाव है कि नहीं है? इसमें देखिए सर, आप पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट क्वालीफाई करोगे ठीक है जी, तो यहाँ से आपकी एंट्री जाएगी स्टेट में ठीक है। तो इसमें समस्या ये आपको है ना, अगर आप उस लेवल खिलाड़ी हैं ठीक है जी, तो उस लेवल का आपको बॉडी पर खर्चा भी होना चाहिए ठीक है। अगर आप हमें दाल भात खिला दे रहे हैं ठीक है, और आप हमें प्रोटीन नहीं दे रहे हैं ठीक है, ना ढंग का हम क्या प्रोटीन नहीं यूज कर रहे हैं, ना ढंग का कोई क्या बोलते हैं जैसे मतलब चने वने हो गया ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ सब लोग खा रहे हैं ठीक है। अगर आप उस चीज़ का नहीं ले रहे हैं प्रोटीन, खाने पीने के जूस वगैरह हो गया, 3 टाइम 2 टाइम जूस पियो ठीक है, 100-150 रुपये तो हम जूस पी जाते हैं दिन भर में। तो पिताजी आपके फार्मर में तो पैसा लाते भी बड़े समस्या, उनको भी आप डाल रहे हैं समस्या में एक तरह से कहा जाए तो? पिताजी हमारे खुद कभी कभी बोलते हैं चल बेटा अच्छा कर, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। बाप का मुझे बहुत बड़ा सहयोग है ठीक है, जैसे भी करके अगर मैं बोलूँगा नहीं पिताजी मुझे 4,000-5,000 रुपये चाहिए, 2-3 दिन के 4 दिन के अंदर में जैसे भी करके एडजस्ट करके मुझे देते हैं। भाई कितना है? भाई दो भाई लोग, भाई का भी सपोर्ट है, भाई सपोर्ट रहता है। हाँ भाई का सपोर्ट है। तो कब तक ऐसा करने का प्लान है कि नहीं आखिर बीच में छोड़ने का प्लान नहीं है जो भी है? भाई भाई और माँ बाप का सपोर्ट है, छोड़ेंगे नहीं, जब तक नेशनल में नहीं देंगे बेटा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये तो मैं भी सोच रखा हूँ। चाहे इसके लिए मुझे 2 साल लग जाए 3 साल लग जाए, और जब तक नौकरी नहीं मिलता तो छोड़ेंगे कैसे? नहीं स्पोर्ट्स ही ट्रायल लेता हूँ नौकरी के लिए। अच्छा हाँ, उसमें कोटा आता है? जी जी कोटे की तहत भर्ती होने की कोशिश कर रहे हैं? जी जी कोटे की तहत भर्ती। अच्छा मैं फिर वही सवाल भेजाऊँगा कि जैसे बोले जिले स्तर की बात जी, तो वहाँ भी भेदभाव है? ना ना भेदभाव नहीं, आप आपके अंदर टैलेंट है ना भैया जी, तो आप जाइए वहाँ पर 1st, 2nd में आइए, आपकी ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट एंट्री जाएगी, उसमें आपकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आपकी कोई भेदभाव करेगा। पर पूरी आपकी लाइफ रिकॉर्ड होती है, स्टेट में गए आप 1st, 2nd में हो तो आपकी एंट्री नेशनल में जाएगी तो जाएगी, अगर आप नहीं हो तो आप वहीं से बाहर हो जाओगे। अब पूरे 75 जिले में आपको भाई 1st, 2nd, 3rd माना गया तो भाई। तो अभी आगे क्या प्लान है? प्लान भैया अभी आगे अभी और इससे अच्छा करना है, क्या बोलते हैं 1 फरवरी में मेरा गेम होने वाला है, उसमें बेस्ट करना है मुझे, बस ये अभी एक टारगेट चला, 6 महीना बचा है ना, अभी दिमाग में ही चल रहा है कि नहीं मुझे उसमें बेस्ट करना है, अभी से चल रहा सोच लीजिए। अभी मेरा मेडल नहीं लगा है UP स्टेट में भैया जी, मैं बता रहा हूँ सच, मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है उसकी वजह से, क्योंकि मैं भी बीच में गया था उत्तराखंड तैयारी करने के लिए, वहाँ से तैयारी करने के बाद हमारी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई, इसकी वजह से बहुत दिक्कत में हूँ भैया। तबीयत सही नहीं और सामने गेम आ रहा है, सामने इसको लेके प्रेशर बना रहे हैं, बहुत बहुत प्रेशर बना था। तो मान लीजिए कि एक गेम कितने साल बाद आती है?
हर छः महीने में दो बार आना, तो फिर इतने पैसे लेने की क्या जरूरत है आपको, मैं ये छोड़ दूंगा अगला मैं जाऊँगा। हाँ तो वही भैया, ये नहीं हो सकता है। अब उसी का टारगेट बस दिमाग में बैठा लेंगे, नहीं ये तो है। अरे जब हर छः महीने बाद ही आती है तो आप भी प्रेशर में आएंगे, फिर घर वालों को देंगे क्या मतलब निकलेगा, और छः महीने चले भाई मेरा सेहत सही नहीं, जब सेहत रहेगा तभी तो आप दौड़ लगाएंगे, अब मान लीजिए कि प्रेशर लेंगे दिमाग। तो भैया जी होता है ना कि हम इतने पैसे खर्च कर, हमें लगता है कि तीन चार महीने मेरा, मैंने अब ये सोच रहे कि घर वाले गरीब हैं, मेरे माँ बाप गरीब हैं और इतना पैसा दे रहे हैं, मेरा छः महीना चला गया यानी एक साल की बात आ गई। बिल्कुल बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ रहा है वही दिक्कत ना कि हमारे माता पिता यहाँ से, हमें लगता है कि मैं दिखा दूंगा अपने अकाउंट से, मैं अपना दिखाऊंगा तो आपको, हमें लगता है कि तीन महीने के अंदर में मेरा कम से कम 40-50 रुपये खर्चा होगा। बताइए अगर इस पे नहीं लगाए बेटा तो बताइए हम किस क्या मुंह दिखाएंगे अपने घर वालों का, फिर क्या जवाब देंगे। बता दूं कि अमरजीत फिलहाल भावुक हैं, और देखिए माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए लड़कों को, आज का ज़माना में चला है रील बनाना, पबजी खेलना। किसी ने देखा, मैं सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था कि पबजी खेलोगे तो सब्जी तो बेचना पड़ेगा, किसी ने लिखा था, ये सच है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेके अमरजीत रात भर चल रहे हैं कि घर के घर वाले मैंने पैसे दे रहे हैं, अगर जो मैं मेडल सामने से नहीं लाऊंगा तो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगा। और बहुत लड़के ऐसे हैं आज के दौर में, पैसा तो पा रहे हैं लेकिन उसको ये नहीं कि हमारा माँ बाप जो भेज रहा है मैं उसको कर्तव्य से निर्वहन करूँ कि हमारे माँ बाप खुश हों, गाँव के लोग खुश हों, समाज के लोग खुश हों, लेकिन इनको प्रेशर है। और छः महीने में आती है कुछ दौड़ लगाना, रेस जो भी प्रतियोगिता होती है, यानी फिर छः महीने, साल में दो बार मौका है, तो भी इनको प्रेशर है। और यहाँ तो दो साल तीन साल बाद भर्तियाँ आती हैं और लोग कापी किताब लेकर माँ बाप को एक तरह से अंधकार में रख देते हैं, और एक तरह से इनका भावुक रूप से हैं कि पिता फार्मर है, माता जी घर में रहती हैं, दो भाई शायद बाहर हैं, तो इनको सोच है कि मैं उस समय पैसे को बर्बाद न करने दूँ। तो अमरजीत जी तैयारी अभी शुरू है या कि फिलहाल घर पे रेस्ट कर रहे हैं? नहीं ना भैया, अभी तो मैं ऐसे गेम खेल गया, मैं स्टेट 15 को था, 17 तारीख को था, तो मैं 19 तारीख घर आया हूँ, ऐसे काफ़ी दिन बाहर रह गया ना था, दो तीन चार महीने, तो मैं सोचा कि चलो घर पे घूम लेते हैं, उसके बाद क्रिकेट जाएंगे। मैं बाहर ही तैयारी करता हूँ भैया, अभी बीच में दिल्ली थे, अब दिल्ली से अब बनारस करता हूँ, बट अभी यहाँ से अच्छी हो नहीं पा रही, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। बट अमरजीत जी की माता जी हैं और इनसे पूछेंगे कि लड़का संघर्ष कर रहा है तो क्या लग रहा है, उम्मीद लग रही है कि अमरजीत आगे चल के? अब बाबू मन तो कहत बन जा के मर भैया पर शर्म करत हूँ, हे भगवान मेहनत का मजूरी इनके दे दा, कहने के भैया ज़्यादा कंपनी धैला छोड़ दा, कहना ही नहीं माता जी के मम्मी का है तो घबराए लो। का बोले क्या हो तो? तीन जने, सबसे छोटा हूँ। हाँ दू जना दुकान कैले हूँ, एक जना काम सिले था, एक जना काम करा ना तो है पलाई वलाई का, मैंने ये तो उम्मीद है कि तीसरा लड़का दौड़ के नाम रोशन करिए। हाँ अब का कर जा बाबू, अपन ये रास्ता धल ना कि हम दौड़ब बाबू जी, तो दौड़ब अपन करब तो कर, तो अपन सब लोग कहला कि जा भैया तो अपन करा खेला, तो अपन दौड़त बाणा बाबू कच कहाँ कहाँ ले अपन जाना, अपन अना तखन जबकि तबीयत खराब है भैया तनि आवा दो चार दिन घर रह जाए। चलिए ठीक है कि अमरजीत जी की माता जी हैं और हमारे बगल में बैठे हैं रवि राजभर जो समाज सेवी हैं, तो इनके माध्यम से आज हम लोग फिर एक बार गाजीपुर उपस्थित हुए। और बता दूँ कि अमरजीत बहुत दिमाग में उथल पुथल चल रहा है, तो मैं तो यही राह दूंगा कि उथल पुथल मत करिए, संघर्ष करिए, अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, और जो इस तरह आप कर रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि माँ बाप का पैसा बर्बाद हो, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अगर जो आप संघर्ष करेंगे तो बर्बाद तो नहीं होगा, भले देर है अंधेर नहीं है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राजतक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।